कारवां टीवी हर पल आपके साथ। बरेली में विधायक के गनर की दबंगई का वीडियो सामने आने के बाद गनर को सस्पेंड किया गया। डीआईजी राजेश कुमार पांडे के आदेश पर विधायक का गनर सस्पेंड किया गया। नेशनल हाईवे 24 पर विधायक के गनर ने आपा खोया था। जाम में फंसने के बाद सरियाम एक युवक को गनर राहुल कुमार ने डंडे से पीटा था। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। शाहजहांपुर के कटरा से भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह उर्फ प्रिंस का गनर है सिपाही राहुल। बरेली से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। सिपाही ने एक युवक की जमकर पिटाई की सड़क पर, क्या कार्रवाई के निर्देश आपके द्वारा की गई और क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, ये वीडियो जब मैंने देखी, मुझे ये प्राप्त हुई, तो मुझे भी ये लगा और मुझे ये बताया गया कि ये बरेली का मामला है। मैंने SSP बरेली से बातचीत की थी। SSP बरेली ने बताया कि उनके संज्ञान में भी आया है, लेकिन ये जगह तो जरूर बरेली में है, लेकिन ये सिपाही शाहजहांपुर का है, किसी स्थानीय विधायक के गनर के रूप में तैनात है। मैंने SP शाहजहांपुर को बताया कि आप इसका तुरंत संज्ञान लें, मौके पर भेज के जाँच कराएँ और इस सिपाही को आइडेंटिफाई करें कि कौन सिपाही है। SP शाहजहांपुर ने ये बताया कि SPRA से भेज के इसकी जांच कराई गई। सिपाही आइडेंटिफाई हुआ, राहुल कुमार उसका नाम है, जिसने वो बेरहमी से एक व्यक्ति को लाठियों से पीट रहा है। और जो समरी ट्रायल उसका जो समरी इंक्वायरी होती है वो करके उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है SP शाहजहांपुर ने, ऐसा उन्होंने मुझे अवगत कराया है। और ये भी बताया है कि उसके स्थान पर तुरंत एक दूसरा सिपाही माननीय विधायक की सुरक्षा में भेज दिया गया है। क्या हुआ था, ये क्या निकल गया है? ये पूरी बात मुझे अभी नहीं पता, आप समझ ही रहे हैं, अभी सुबह की बात है शायद ये, या सुबह पता लगा 10 बजे, 10:30 बजे के आसपास मुझे ये वीडियो मिली थी। और SP शाहजहांपुर को भी बाद में जानकारी हुई थी। SPRA वहाँ अपर्णा गौतम है, उसने मौके पर जाके इसकी जांच की थी। और फिर जांच में जैसे ही इसका नाम पता और इसकी कारस्थानी का पता लगा, उसे सस्पेंड कर दिया। अब जांच उसकी सर्किल ऑफिसर को दी गई है, जो भी फैक्ट होंगे वो सब आ जाएंगे। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।